Hello everyone and welcome back to my channel. This is Shweta and wish you all a very happy Ganesh Chaturthi. I know I am vlogging after so many days because I was busy posting Nepal ka jo bhi content hai. So uska series complete kiya and right now abhi maine fir se ये वाला व्लॉगिंग शुरू किया है. तो हमारे घर में भी गणपति आते हैं और ये सेकेंड ईयर है कि हम हमारे घर में गणपति सेलिब्रेशन कर रहे हैं. और जब हम मूर्ति लेने गए तब मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाने का सोचा पर वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैं वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई. बट उसके जो क्लिप्स हैं वो मेरे पास है तो थोड़ी बहुत वो मैं ऐड कर दूँगी. और जो डेकोरेशन है वो मेरी बहन ने किया है, शिल्पा, और एक भैया है उन्होंने साथ में डेकोरेट किया. तो बहुत अच्छा डेकोरेशन है, उसका भी छोटा छोटा क्लिप्स है तो मैं वो इस ब्लॉग में ऐड करूंगी. तो आज गणपति उत्सव का फर्स्ट डे है तो ऑफ कोर्स हम रेडी होंगे और फैशन करेंगे. तो अभी इस ब्लॉग में मैं गणपति उत्सव के लिए तैयार होंगी. तो हमारे घर में 5 दिन के लिए गणपति होते हैं, हम 5 दिन के बाद में सर्जन करेंगे. हमारे पास 5 दिन है फन करने के लिए और हमने मोदक भी बनाए शाम की आरती के प्रसाद के लिए. तो अभी लेट्स गेट रेडी एज सून एज पॉसिबल बिकॉज 7 ऑलरेडी बज गया है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और बहुत टाइम लगता है तैयार होने में. फिर पापा आ जाएंगे और सब आरती का टाइम हो जाएगा तो बहुत सब कुछ हड़बड़ी में नहीं कर सकते. तो अभी बिना किसी देरी के फटाफट से ब्लॉग शुरू करते हैं. सही दिख रहा है डेकोरेशन. ओके, सो आई एम वेयरिंग दिस ब्राउन साड़ी. जल्दी से रेडी होंगे. I'm not applying foundation, just basic makeup with concealer, BB cream और eye shadow और काजल eyeliner के साथ में. और let's get started. Serum, so I'm using this cream white tone. ये moisturizing cream भी है और BB type भी है तो 2-in-1 में आप इसे यूज कर सकते हैं. और नाउ वी विल अप्लाई कंसीलर, जो भी स्पॉट्स हैं ब्लैक उसको कवर करने के लिए. नाउ वी विल ब्लेंड दिस अच्छे से. मेक श्योर ये हेयर्स के आने वाले पार्ट में भी आप अच्छे से ब्लेंड करो. आई एम वेयरिंग ब्राउन साड़ी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये गोल्डन शेड और ये जो थोड़ा ये कॉपर वाला है ये दोनों को मिक्स करके लगाऊं. लेट्स सी अभी क्या इसका रिजल्ट आता है बिकॉज इसमें यही ब्राउन शेड है और बाकी सारे पिंक टाइप है तो ये कॉपर टाइप वाला जो है इसे ट्राई करके देखते हैं. आई होप इट्स गोइंग. और ये थोड़ा सा गोल्डन. आज मैं बहुत इजी गोइंग मेकअप करने वाली हूँ, बहुत क्विक, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास. नाउ आई विल डायरेक्टली अप्लाई मस्कारा. ब्रोज फिल कर लो गाइज.
इसको थोड़ा ब्रश से सही करना पड़ेगा मुझे. कूल. नाउ वी विल अप्लाई अ बिट ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर बिकॉज आई एम नॉट हैविंग लूज पाउडर राइट नाउ, तो अभी कॉम्पैक्ट पाउडर से काम चलाना पड़ेगा. अब हम ब्लश अप्लाई करेंगे. हाइलाइटर. Now we'll apply lipstick. ये वाइन शेप वाला मेरे पास लिपस्टिक है. और इसके ऊपर हम लिप ग्लॉस यूज करेंगे. ये भी स्विस ब्यूटी का है. तो मैं ये वाला पहनने वाली हूँ. एंड नाउ आई विल वेयर दिस नेकलेस. दिस विल लुक गुड. या नाउ आई विल ओपन द हेयर्स. अभी बाकी है, अभी मेन चीज बाकी है जो है बिंदी. उसके बिना तो बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है. तो I'll choose red. ये मल्टी कलर बिंदी है यहाँ पर. I'm gonna choose red. And the last thing is eyeliner. I hope कि मैं इसमें अच्छे से अप्लाई कर. मैं नहीं कर पाऊँगी कैमरा में से देख के अप्लाई, तो मुझे मिरर के पास जाना पड़ेगा. मैं मिरर में से जस्ट 1 सेकेंड में अप्लाई करके आती हूँ. So I have applied the eyeliner. And the last thing is setting spray. अरे साड़ी पर आ गया, पर ये सूख जाएगा. So here is the final look and let's go. फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा. hey! तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा. देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी. सो दिस वॉज आर डे वन. एंड गणपति की आरती जो पहले दिन की थी, वहाँ पर दिया जल रहा था तो हमने पंखे बंद करके रखे थे, तो उसकी वजह से बहुत पसीना आ रहा था. मैंने नीचे ज़्यादा शूट नहीं किया, ऊपर आके रूम में अभी ठीक है. मेकअप तो स्टिल ऑन है, सो इट्स फाइन, चलता है. एंड या आई विल बी पोस्टिंग माई न्यू ब्लॉग्स. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग दिस वीडियो.
Now we'll go with eyeshadow palette. मेरा ब्राउन कलर का साड़ी है तो आई वॉन्ट मैं